चॉकलेट खाने में व्यस्त है, मेरे हाथ हैं और आज को मैं बोलूंगा मेरे हाथ मुझे दे दे ठाकुर। हेलो माय यूट्यूब, हेलो हैप्पी बर्थडे निखिल भाई साहब। अरे मेरा बर्थडे नहीं है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट व्लॉग्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं, थोड़ा सा लेट कर रहे हैं क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाते हैं और अभी भी काम चल रहे हैं यहाँ पे। ये स्टैंडी वगैरह उठा के लेकर जा रहे हैं अतुल भैया। और आज यहाँ पे रंग आंगन का लास्ट डे है और ये सारे के सारे हमारे कलाकार दोस्त विशाल भैया, दिवांशु जी और ये हमारी स्पेशल आर्टिस्ट स्नेहा जी, इनसे भी मिल लीजिए। और अभी यहाँ से यहाँ पे एक शो है 4:30 बजे जो कि सतीश कश्यप सर का है। और यहाँ से फ्री होने के बाद आज है ना आपको एक बढ़िया जगह पे लेके जा रहा हूँ, नया ऑडिटोरियम है और वहाँ पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। चीफ गेस्ट है, बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जिनका नाम है राकेश बेदी, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और बहुत सारी टीवी सीरियल्स और मूवीज वगैरह आई हुई हैं उनकी और बहुत सारी पुरानी मूवीज में भी हैं सर। तो अभी यहाँ पे आया था मैं थोड़ा बहुत शूट करने और उसके बाद यहाँ से फ्री होके खाना वगैरह खा के और शो देख के वहाँ चलते हैं। वैसे ना मेरे को तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है मेरे व्लॉग में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, वाह वाह वाह। चलो आपको भी अच्छा लगा होगा देख के, तो थैंक यू सो मच। हेलो भैया, हेलो कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बढ़िया, कितने देर हो गया आज? आप भी कुर्ते में, मैं भी कुर्ते में, सेम टू सेम हो गया सिस्टम, बढ़िया। और ये लोकेश पूछ रहा था आज कुर्ते का कोई रिवाज है क्या, आप भी पहनाए? ये मैं भी पहनाया और ये रह गया, खैर कोई बात नहीं। अरे मधुर क्या हाल है भाई, कैसे हो नवनीत भैया? नहीं नहीं आज ये ऐसा लग रहा है, मैं तो यार माचिस तो नहीं है, यही लाना है, बीड़ी भी नहीं है। अरे ओए एक बार जा भाई, एक बार जा, जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा। जरूरी नहीं है माचिस बीड़ी की पीने के लिए चाहिए लोकेश सर, है ना? जल्दी जाओ भाई, जा रहे हैं, चलते हैं साथ में, आजा। अरे माचिस तो हम लेकर ही आएंगे ना साथ में, अब सामान लेने जा रहे हैं तो एक बार पहले जल्दी ले आए, ठीक है? लेकिन प्लीज, उसको टेंशन हो रही है, बीड़ी भी चिसानी होगी साइड में। गाना भी गा देंगे, अब एक काम करो, बोलो लाइटर लाई थी, लाइटर दे आओ। क्यों? मतलब इतना ही सबर नहीं था, तुम दीप प्रज्वलन लाइटर से करोगे? बड़े कमाल के बंदे हो। हेलो फैमिली, थैंक यू। बड़ा परेशान हो रहा था यार तू आज, बिकॉज आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 1 आवर, दैट्स व्हाई। कैसे हो भैया? फिर आ गया। हेलो भाई, संजीत सरोवा सर। कैसे हो भाई? और भाई का ब्लॉग ब्लॉग देख रहे हो ना? देखते रहो भाई, चलो अभी शो शुरू होने वाला है और अंदर चलते हैं, तैयारी आज तो फॉर्मल ड्रेस में अतुल भैया, पानी वानी पीते बात है, चलते हैं बस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, राकेश बेदी सर का ही नाटक है। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं श्री गजेंद्र चौहान जी सर, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र चौहान को आपने महाभारत में युधिष्ठिर के रूप में देखा होगा, वैसे तो बहुत लंबी मेरी से फिल्म का नाम होगी, लेकिन वो आपको याद होगा। तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए एक बार फिर से। हेलो, राम राम सभी को, कैसे आप सभी? तो मैं उसी गाने की लाइन सुना देती हूँ जो सबसे ज्यादा सबको पसंद है, बावन गज का दामन जी। गांव में हो वे गाज खुड़का जुत्ती मड़कर वाली, पैर छिड़ेगी बुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरू, सुनने की गुठियाने मैं हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी। छोटे बच्चे थे क्लास में, तो बच्चों को बोली
कि जो बच्चा मुझे 1 से 20 तक की गिनती ठीक ठाक सुनाएगा उसको मैं जोर से पप्पी दूंगी। क्या दूंगी? जोर से पप्पी दूंगी। हाँ, तो एक हरियाणा का एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चा था, बोला मैडम मुझे 1 से 100 तक का पूरा गिनती आता है, पूरा स्कीम जरा डिटेल में सुन रहा हूँ। क्या करते हैं आप, इतनी सारी फोटोज को खाली लेकर घूम रहे हैं? अरे आपके पास, आपके पास एल्बम नहीं है क्या? सही तो आया है, कोई एल्बम हो तो दो ना मेरे को। दो शब्द तो नहीं, एक ही शब्द निकल रहा है मेरे मुंह से, अमेजिंग। वो नाटक है जो एक संदेश लिए हुए है कि हमें अपने बच्चों के लिए किसी भी लेवल पे जाके अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। और ये बहुत अच्छा संदेश राकेश जी ने अपनी राइटिंग में दिया है, सारे कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस में दिया है, और ईच एंड एवरी एक्टर वॉज ऑन टॉप। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई हल्का पड़ाव कोई ऊपर गया हो। इसलिए मैं इनका फैन हूँ, जब इन्होंने शुरुआत की थी कैरियर की, और बहुत ही अमेजिंग एक्टर है, बहुत ही अमेजिंग इंसान है। कहते हैं ना कि अच्छा कलाकार अच्छा इंसान होता है, और राकेश जी में दोनों खूबियां नजर आती है। नहीं जाना चाहिए उसके साथ, बहुत लोगों ने कुछ होते हैं फेमिनिस्ट, यू नो कि नहीं भैया झंडा लगे खड़े हैं कि एक बार धोखा दे दिया दे दिया। नहीं नहीं, लेकिन ये सारे बहुत सारे, हमने अगर इसको 50 सिटीज में किया तो 50 में से 49 सिटीज में बहुत लोगों ने ये चीज बोली कि नहीं जाना चाहिए। हिसार इज प्रोबेबली द ओनली सिटी जहां पे पूरे हॉल में बोला है, अमेजिंग है। ये आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब उनसे पूछा गया उन्होंने बाद में इंटरव्यू हुआ कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो मैंने कहा मैं एक अपने आप को एक बुद्धिजीवी समझता हूँ, एक लेखक समझता हूँ, अगर मैं ही एक पॉजिटिव संदेश नहीं दूंगा तो समाज कैसे आगे बढ़े। ये मेरे हाथ हैं, और आज को मैं बोलूंगा मेरे हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो फैमिली आज का नाटक तो हो गया कंप्लीट, और सारे की सारी ऑडियंस जा रही है, और अभी हमें इस ऑडिटोरियम से बाल भवन जाना है, और वहाँ पे अभी डिनर वगैरह रहेगा, और राकेश बेदी से इंटरेक्शन भी रहेगा, और हमारे अतुल भैया। हाय गाइस, हाउ यू आर, मजा आया आज का नाटक बहुत। तो फैमिली राकेश बेदी सर के मतलब रूबरू तो अभी हुआ नहीं हूँ मैं, बट हाँ जल्द से करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और स्पेशल गेस्ट से मिलवा देता हूँ, जो कि चॉकलेट खाने में व्यस्त है, ठीक है? और इनका नाम है रवीना, जो कि स्टेज ऐप पे चौधर और सेफ हाउस में है, और वैसे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और उसमें भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और आप जाके देख सकते हो स्टेज ऐप पे चौधर और सेफ हाउस। तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, और आपको भी आई होप सो पसंद आ जाए, ठीक है? और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हरियाणवी एक्ट्रेस स्वैग है लालो। अभी चलते हैं बाल भवन के बाद जल्दी से जल्दी, और राकेश बेदी सर से भी मिलवाते हैं। नवीन भैया दबा के आज नहीं छोड़ना कुछ भी, मटर पनीर गट्टे की सब्जी, और ये स्नेहा चावल खाएगी आज भी, तो यार कैसी बात कर रही है। चल कोई बात नहीं, अच्छा कुछ और लेना, पनीर वनीर ले, बढ़िया बढ़िया सब्जी ले, आज तो आलू की भी है पनीर की भी है, आज टफ नान भी है। हाँ ठूस, मैं तो यार खा ही नहीं रहा, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, इन सब्जी है देख लो लाइन में लगे हुए हैं। तो फैमिली जैसे कि मैंने आपको कहा था सर से मिलवाएंगे आप सभी को, तो सर आप मेरी फैमिली को हेलो कर दीजिए। हाय हाय दिस फैमिली, हेलो एवरीबॉडी, आपके लिए सर अब तो okay। और सर आपका नाटक बहुत अच्छा था, हमने देखा तो सर स्पेशली नाटक करने आए थे, और सीरियसली सर बहुत बढ़िया नाटक लगा हमें, एंड सर आपको कैसा लगा निसार आके? बहुत अच्छा लगा, और ऑडियंस भी रिएक्शन बहुत कमाल का था, बहुत मजा आया, मैं तो पहले भी कई बार आ चुका हूं, आज भी बहुत मजा आया। जी सर, और सर अगली बार कब आओगे दोबारा जब आप लोग बुलाएंगे? हम तो सर कह रहे हैं आप यहीं रुक जाओ, और थैंक यू सो मच सर। तो फैमिली जैसा कि आपको पता है आज रंगांगन का लास्ट डे है, 8th रंगांगन का लास्ट डे है, और आज सभी मनीष जोशी सर और अभिलाष सर जो कि NSD से पास हो गए, और दयाल दा जो कि असम से है, और सर मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, और आई होप आप सभी को सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब सारे के सारे एक थोड़ा शोर तो मचाइए। Bye bye, Tata, love you. मिलते हैं आपसे next vlog में। सर कुछ कहना चाहेंगे? Report abuse भी कर दूँगा। सर को ये पूरा हुक्का दिया जा रहा है हरियाणा की तरफ से, और सर आपको मतलब ऐसे आपने कभी पिया है ये? मैंने पहले नहीं पिया, और
अच्छा अभी बना ले, अभी पियोगे? पी लूंगा। क्या बात है सर, कौन अभी बनाया जाए, कौन कौन तैयार करेगा भाई? वीडियो बनाकर भेज दूंगा आप लोग को। अच्छा ये बहुत सही किया आपने, व्हाट्सएप पे तो हो ही आप मेरे। चलो कैसा लगा सर आपको हमारा गिफ्ट, ये तो बताओ। बहुत अच्छा लगा। ओके। ये हिसार का जो ये रंगमंच का अलग एक जो रिवोल्यूशन हो रहा है, ये बहुत सब कुछ कामयाब हो सर की तरफ से है। और दूसरा बात है कि बहुत अच्छा लगा ये जो रंग अंगद जो थिएटर फेस्टिवल है। हाँ जी सर। मुझे आनंद आया। हाँ जी सर। और मेरा उम्मीद है कि हर साल आने के लिए कोशिश करूंगा। जरूर सर, जरूर हमें भी इंतजार रहेगा आपका, आप हमेशा आओ और इसी तरह हमसे ये हुक्का और तोहफे लेकर जाओ।